मेघालय खासीज का घर है, एक स्वदेशी कबीला जिसके लोग यहां कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। एल्बिन एक खासी है जो जन्म से ही इन पहाड़ियों में रहे हैं, चेरापूंजी के पास के ही एक गांव में। ये कुली का काम करते हैं और पैदल ही पुराने पहाड़ी रास्तों से होते हुए जरूरी सामान को अलग अलग समुदायों तक पहुंचाते हैं। पर एल्बिन को रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि यहां की ऊबड़ खाबड़ जमीन को पानी ने किस तरह से तराशा है। एल्बिन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्थरों के बीच तेज बहते पानी से बनी घाटियों को पार करना होता है। मानसून की बारिश के दौरान झरनों में पानी कई गुना तक बढ़ जाता है, जिसके बाद इन्हें पार करना नामुमकिन हो जाता है। पूरे के पूरे समुदाय बाहर की दुनिया से कट सकते हैं। पर खासी लोगों ने इसका एक अच्छा समाधान ढूंढ लिया है। रबर के पेड़ों की जड़ों से बने पुल। सबसे ज्यादा बारिश तो चेरापूंजी में हो, इसलिए वो रोड ब्रिज पहला वाला लोग तो बना लिया, क्योंकि अगर रोड ब्रिज नहीं बनाएगा तो हम लोग तो जाने नहीं मिलेंगे, क्योंकि पानी ज्यादा भरा है ना। खासी लोग यहाँ लगभग 100 सालों से रूट ब्रिजेस बना रहे हैं। ये पहाड़ों की पतली मिट्टी से बाहर निकली बड़ी जड़ों से बनते हैं। खासी जानबूझकर इन जड़ों को नदियों के ऊपर से ले जाते हैं। फिर पुल बनाने वाले बहुत सी जड़ों को साथ में बांधकर प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और उनमें बांस की बल्लियां लगाते हैं। गुजरते समय के साथ ये जड़ें आपस में लिपटकर पुल को और मजबूत बनाती रहती हैं और उसके बाद आखिरकार बांस को हटा दिया जाता है। एक पुराना रूट ब्रिज 76 मीटर तक लंबा हो सकता है और उस पर एक समय में 35 लोग खड़े हो सकते हैं। भला हो इन शानदार रूट ब्रिजेस का, जिनसे एल्बिन मॉनसून के मौसम में पानी से भरी नदियों को सुरक्षित रहकर पार कर पाते हैं और मेघालय के पहाड़ों में खासी लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं।